नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रियल फैक्ट जानने के लिए डेरा सच्चा सौदा का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा का पहुंच रहे हैं लगातार लोगों के बीच में। सवाल करते हैं आज लोगों का, बाबा राम रीम जी के बारे में क्या कहना है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संगीता। कितने समय से आप बाबा राम रीम जी को जानते हैं? 20 ईयर्स हो गए। 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में किस तरह का माहौल आपको लगता है वहाँ पर? वहाँ का बहुत बढ़िया माहौल है, सेफ्टी है प्रॉपर, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट है, सब बढ़िया है। मैम, आप एक अच्छी फैमिली से लग रहे हो, उनके बारे में इतना कुछ दिखाया भी गया, खासकर लड़कियों को लेकर क्या कहोगे आप? सबसे ज़्यादा सेफ्टी वहीं पर ही हमको लगती है। दिल्ली में तो बिल्कुल सेफ्टी है ही नहीं, सिरसा में बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, डेरे में बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। गुरु जी का व्यवहार किस तरह का है? गुरु जी का व्यवहार तो बहुत ही बढ़िया, सबके लिए, सबके साथ, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक बहुत प्रेम से बोलते हैं सबके साथ, बस बेस्ट। जो उनके ऊपर इतनी बातें दिखाएगी उसके बारे में क्या कहोगे, क्या सच्चाई है? बिल्कुल उतनी बार भी 1% क्या पॉइंट में भी कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको भरोसा है? हमको बहुत अफसोस है कि आज के टाइम में जब समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे उसकी, संत की, तो उस टाइम में गुरु जी के साथ इन्होंने ऐसे कर दिया। क्यों जरूरत है समाज को आज उनकी, क्या क्या? आज बहुत ज़्यादा ड्रग्स में यूथ है, अधिकतर ड्रग्स में, उनका कल्चर बिल्कुल लो हो गया है, तो इसलिए लगता है कि इवन देन गर्ल्स भी आजकल ड्रिंकिंग में वो हो गई, तो इसलिए लगता है कि आज समाज को बहुत ज़्यादा उनकी जरूरत है। कुछ फ़र्क आया है वो 2 सालों से नहीं है समाज में, उनका ना रहने से कोई प्रभाव पड़ा है? ड्रग्स ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा, अब बच्चों का कल्चर भी बहुत बेकार होता जा रहा है, कैरेक्टर के स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे आज के, तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा। सरकार से क्या अपील करोगे उनके लिए? सरकार से अपील करेंगे कि री इन्वेस्टिगेशन करें दोबारा, और उनको जल्द से जल्द लाएं समाज में, फिर दोबारा वापस सत्संग वगैरह, फिर पहले जैसा माहौल हो जाए दोबारा, तो ज्ञान की गंगा बहेगी। उनको तो हम यही कहेंगे कि एक बार आके आप हमारे साथ चलो, और सिरसा में आपको दिखाते हैं सब कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, कि वहाँ पर तो लाइलाज बीमारियाँ तक सब ठीक होती हैं। मेरे हस्बैंड को कैंसर था तो गुरु जी से ही ठीक हुई है, उन्होंने, गुरु जी ने केवल ब्लेसिंग की थी और उसके बाद हमारा सब ठीक हो गया। तो मतलब आओ और देखो, मेथोमेटेशन को लो और उसके बाद आपको मालूम होगा कि फैक्ट क्या है। थैंक यू सो मच। फैक्ट को अगर जानना है तो लोगों की अपील है तो एक बार डेरा सच्चा सौदा में जाकर जरूर देखिएगा, ये लोगों का कहना है। और जो सूत्रों के आप हवाले से आपको लगातार न्यूज या हेडलाइंस दिखाएगी, उनका लगातार लोग आपके सामने आकर खुलासा कर रहे हैं कि इस तरह का माहौल, इस तरह के वहाँ का जो इन्वायरमेंट है डेरा सच्चा सौदा का, जब बाबा राम रीम जी का जो व्यवहार है इस तरह का नहीं है। आखिर इस तरह से क्यों किया गया, ये सवाल आपके लिए, जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय, और देखते रहिए द फैक्ट टाइम, और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।